फिलहाल जो आप खूबसूरत सी व्हीकल सामने देख रहे हैं, ये अभी जो नई ब्रेजा आई है वो है स्प्लेंडिड सिल्वर कलर, जो बहुत पॉपुलर है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो एसेसरीज हैं वो काफ़ी गदब है। जिस चीज़ पे ये मॉडिफाई किया गया है वो बता देता हूँ। तो सेकेंड बेस मॉडल जो VXI वेरियंट के नाम से जाना जाता है, उस पर ये मॉडिफाई किया गया है। अगर ऑन रोड प्राइस के अप्रॉक्सीमेशन के बारे में बात करूँ तो मेरे सिटी में लगभग इसकी कीमत 11,20,000 से लेकर 11,50,000 के बीच में ये पड़ जाती है। अब और एक बताता हूँ, जैसे इसके एक और ऊपर जैसे आप मॉडल जाते हैं जो सेकेंड टॉप मॉडल है या टॉप मॉडल, तो उसकी ऑन रोड प्राइस 12,80,000 है। और सबसे टॉप मॉडल अगर आप जाते हैं जो ZXI प्लस के नाम से जाना जाता है, तो उसकी कीमत है 14,50,000 रुपये। तो इस कंपेरेटिवली ये जो ओनर है उन्होंने क्या क्या चीज़ें चेंज कराई है वो एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फ्रंट में देख रहे होंगे तो यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स वही जो सिंपल वाले मिलते हैं, उसमें चेंजेस नहीं है। ये चाहते तो ये वाला लगा सकते थे। तो एक प्रॉपर जो DRL के सेटअप के साथ जो टॉप मॉडल वाला फील आता है वो दिख जाता है, क्योंकि जस्ट आप एक मॉडल ऊपर लेते हैं जो ZXI वेरियंट के नाम से जाना जाता है, जिसमें पियानो ब्लैक फिनिश के इस प्रकार के कुछ व्हील ऊपर कवर मिलते हैं। ये आप डिफरेंस में देख सकते हैं, पर ठीक है, अगर ये वाला DRL पसंद नहीं था तो इन्होंने डिफरेंस क्या कराया है वो मैं आपको बता देता हूँ। सामने के जैसे ग्रिल सिस्टम देख रहे होंगे तो वही, क्योंकि ये जो सेंटर वाला पोर्शन है सेम एज इट इज़ आपको बेस से टॉप मॉडल में मिलते हैं। ये क्रोम टच भी वही मिलता है। बम्पर में भी जो आप डिफरेंस देख रहे होंगे वैसे ही है। तो मेन खेल खेला गया है इस गाड़ी में वो है इसके अलॉय व्हील का सेटअप। टोटल जो है वो 1,16,000 का इस पर खर्च हुआ है। और वो क्या क्या चीज़ है वो मैं आपको और डिटेल बताता हूँ। अलॉय व्हील की जैसे आप क्लियरेंस देख रहे होंगे ना, तो ऑफकोर्स ये ड्यूअल टोन में मिलता है। और यहाँ पर आप देख रहे हो सिल्वरिश, ये ब्लैक टच का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन और बहुत मजबूत जो रहना चाहिए था वैसा दिख जाता है। और ये चार सेट में जो लिया गया है इसकी कीमत है 46,200। एक का अगर आपको प्रॉपर निकालना है तो आप 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, इस प्रॉपर अप्रॉक्सीमेशन आपको आ जाएगा कि इतने की ये मिलेगी। फिर जैसे ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, इन्होंने साइड क्लैडिंग लगवाई है, नीचे ये लहर होते हुए ये पीछे तक जा रहा है, जिसमें ये पार्ट है ये बहुत अट्रैक्टिव मुझे इसलिए भी लगा क्योंकि ये जो है टफ प्लास्टिक में है और इसके साथ एक कुछ अच्छा सा माउंटेन डिज़ाइन में भी उसके हिसाब से पैटर्न में ये दिख रहा है। और आप नोटिस करिएगा ये जो है ये दोनों अलग अलग कलर फॉर्मेशन पे दिए हुए हैं। तो यहाँ जो साइड का पोर्शन देख रहे हैं ये भी एक प्रकार से लहर होते हुए जा रहा है और अट्रैक्टिव लगता है मुझे एक प्रकार से, जो इसमें होना चाहिए था। क्योंकि ये जो पैटर्न है ये थोड़ा सा उभरा हुआ जो दिख रहा है, आई थिंक वो इसकी खूबसूरती काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दे रहा है। वहीं पर जैसे आप नॉर्मल इसके क्वालिटी को बोलें तो ये जो ऊपर हल्का सा पोर्शन दिख रहा है ये थोड़ा सा शाई सिल्वरिश पैटर्न में है। जैसे ऊपर स्प्लेंडिड सिल्वर है उसके हिसाब से एकदम टोटल काउंट नहीं होगा, बट उसके हिसाब से ऑन एन एवरेज भी ये ठीक लगा मुझे। और बॉडी स्लाइड क्लैडिंग की अगर कीमत के बारे में बात करें तो वही 2,350 रुपये की ये लगभग मिल गई है। फिर फ्रंट बॉडी का जो स्पॉइलर आप देखें वो था क्या बोलते हैं 2,350 का, और जो रेयर बॉडी का जो स्पॉइलर है उसकी कीमत है अप्रॉक्सीमेशन मैं याद कर रहा हूँ 2,190 रुपये। अब जो और भी डिफरेंस अंदर लगाई गई है उसको भी टैली कर लेते हैं जो है इसके इंटीरियर के सेटअप में। तो इंटीरियर में जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो सामने MID स्क्रीन मिलता है, और वहीं पर राइट साइड जैसे आप नोटिस कर रहे होंगे तो यहाँ पर कितने किलोमीटर्स में गाड़ी रनिंग होती है वो इन्फॉर्मेशन बताता है, जो एनालॉग फॉर्मेशन पे है, बीच वाला MID है, और लेफ्ट साइड देख रहे होंगे वो RPM फॉर्मेशन पे बताता है। सेंटर कंसोल देखे तो आपको यहाँ पर एक टच स्क्रीन मिलता है, नीचे आप जाएंगे तो AC के वेंट्स है जो ब्राउन फॉर्मेशन पे है, ऊपर थोड़ा सा टेक्सचर डिज़ाइन है, और ये जो है ये सिल्वर लाइनिंग मिलते हैं। अब जैसे देख रहे होंगे सीट कवर, ये थोड़ा सा क्योंकि अलग और बेहतर लग रहा है तो सीट कवर की भी अलग खासियत है। जैसे आप देख रहे होंगे हल्का से बबलिंग पैटर्न निकल रहा है, और उसी के मैचिंग में इन्होंने बूट मैट लगवाया। तो बूट मैट से शुरुआत करा दूँ, तो बूट मैट जो आप देख रहे हैं अच्छा सा टफ डिज़ाइन, जैसे क्लोज बाय लुक में आप देख लीजिएगा ये जो जितना भी दिख रहा है ये उभरे हुए हैं और काफ़ी मजबूत प्लास्टिक, और साइड में यहाँ पर ब्रेजर लिखा हुआ है। इसकी जो कीमत पड़ी है
वो एसेसरीज आपको लगभग 1590 रुपये या 1600 आप पकड़ सकते हैं उतने की मिल जाएगी। फिर यहाँ जैसे आप जो स्टेयरिंग का जो व्हील सॉरी स्टेयरिंग कवर देख रहे हैं, इसमें भी आप नोटिस करिएगा कि ये सिंपल ऊपर से भले दिख रहा है, पर वहीं पर जैसे आप साइड देखेंगे ना, तो ये साइड वाले में थोड़े से आपको डिज़ाइन पैटर्न मिलते हैं। और इस डिज़ाइन पैटर्न की अगर टोटल कीमत के बारे में बात करें तो अप्रोक्सीमेशन 890 रुपये का ये, जैसे साइड से आप देख रहे हैं, 890 रुपये का ये स्टेयरिंग कवर मिल गया है। तो जैसे अट्रैक्टिवनेस में ये सीट कवर की जैसे मैं बात कर रहा था ना, तो सीट कवर का जो कीमत है वो थोड़ा तगड़ा है, पर क्वालिटी आप देख लीजिएगा, उभरा हुआ ये लगता है, स्टिचिंग बहुत प्योर है। 9750 रुपये की ये आपको सीट कवर्स मिले हैं, जो कि आई थिंक इस गाड़ी के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मुझे एक पैकेज चीज़ भी लगा। आपको अगर कुछ अटक रहा है तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर सेम जो यहाँ पर हल्का सा ब्राउनिश फील लगता है, वही लहर जाते हुए आपको इस वेरिएंट में ऐसे देखने मिलेगा। और मोबाइल चार्जर के लिए भी सॉकेट जो लिया गया है वो पैटर्न आपको 1590 रुपये का, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा कैलकुलेटिव चीज़ मिला है। मेन जो सबसे ज़्यादा खर्चा इस व्हीकल का मेरे को लगा कि 46,200 रुपये आपको अलॉय व्हील के खर्चे करने पड़े, और अगर मैट जो सीट कवर गिनेंगे तो 9,750 रुपये उसका भी काफ़ी ह्यूज पैटर्न में लगा। ओवरऑल अगर आपने ये सिल्वर कलर का वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस चैनल पर डाल देता हूँ, पूरा डिटेल्स मैंने बताया है विद एक्सपीरियंस, आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। अभी ये एसेसरीज इतने गजब लगे वो मैं चाहता था आपको दिखाने, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अभी और भी है, वो नॉर्मल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगले बार का जो वीडियो बनेगा तो उसमें मैं सोच रहा हूँ कि कवर कर लूँ, क्योंकि जैसे उसको अगर मैं कवर करना चाहूँगा ना, तो मैं सच बता रहा हूँ लगभग जैसे ऑल वेदर 3D मैट ये जो लगा है वो थोड़ा सा मैं बताने में अगर गलती किया होगा तो आप नोटिस कर लीजिएगा, 2670 रुपये का ये ऑल वेदर 3D मैट लगा हुआ है, जो थोड़ा सा उभरे हुए जो दिख रहे हैं इसके कारण इसका 3D नाम रखा गया है। फिर बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो मैं चाह रहा हूँ कि आपके लिए कवर करके लाऊं, क्योंकि नंबर प्लेट गार्निश इन्होंने पुटअप किया है, ओई कैमरा है, फिर कुशन लगवाए हैं सिल्वर कलर के, फिर डोल स्टील गार्ड है, और व्हील आर्च किट भी है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं। पर लमसम अभी क्विक ऑन में क्या क्या टोटल खर्चा हुआ है वो दिखाने के लिए मैं सोचा एक वीडियो बना लेता हूँ, तो उस वीडियो के हिसाब से आप दिमाग में ये बैठा लीजिए कि 1,16,000 या मोटा मोटा पकड़ें तो 1,17,000 में ये गाड़ी कंप्लीट सेकेंड बेस मॉडल से टॉप मॉडल के भी ऊपर का टक्कर देती है। हाँ, एक चीज़ कमी हो जाती है, वो आप फाइंड कर लीजिएगा कि यहाँ पर सनरूफ ऑफकोर्स इस पैकेज जो 1,17,000 के किट में इंक्लूड नहीं है, पर उसको अगर एक्सक्लूड करें और बाकी गाड़ियों को देखें तो आप दिल खुश हो जाएगा इसके इंटीरियर के। इंटीरियर भी ब्लैक फॉर्मेशन पे सीट कवर और मैटिंग लिए हैं तो वो प्यारा लग रहा है, और बाहर से कुछ स्प्लेंडेड सिल्वर इस वेरिएंट और इस मॉडिफिकेशन के कीमत के साथ ऐसा लग रहा है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और उसमें क्या है कि इसका जो एक एक डिटेल्स है, जो टोटल 22 एसेसरीज लगे हैं, वो मैं और ओवर डिटेल में बनाता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा एंड आई थिंक वो 20-25 मिनट का जाएगा। पर लमसम मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये वीडियो 9-10 मिनट के अंदर रहे, ताकि आप एक क्विक ऑन ग्लेंस में कितना खर्चा होता है वो देख के एक मेजर चीज़ है एटलीस्ट आप अपडेट करा सकें।